हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर गूगल वार्ड आखिर क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ में चैट जीटीपी को लेकर यहां पर काफी लोगों के सवाल थे। इसी के साथ में हमें गूगल वार्ड को किस तरीके से यूज करना है, आखिर गूगल वार्ड में और इसी के साथ में चैट जीटीपी में क्या अंतर है। ठीक है, चैट जीटीपी के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको वहां पर पैसे देकर ही आप तभी वहां पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में गूगल वार्ड है जो कि गूगल कंपनी की तरफ से यहां पर लॉन्च किया गया है और ये बिल्कुल फ्री है। गूगल वार्ड में आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आप चैट जीटीपी में पैसे देकर भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल वार्ड से आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं और इसका आखिर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आखिर इसका हम बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं और इससे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, वो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप में ओपन कर लेता हूँ। इसका आप यूज, जैसे कि काफ़ी लोगों के सवाल ये भी आए थे कि भाई इसका जो हम मोबाइल में इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल में आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मोबाइल में आप इसका डक्स मोड में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप इसका जल्दी यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लैपटॉप पीसी चलाते हैं तब तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च बार में लिख देते हैं गूगल में गूगल वर्ड AI, ठीक है। जैसे ही आप लिख देंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी जैसे कि अलग से मेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई क्या इससे साइनअप करने के लिए क्या हमें अलग से यहाँ पर मेल बनाना है या किसी को पैसे देना है। ये बिल्कुल फ्री है, किसी को भी कोई भी पैसा यहाँ पर देना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसी के ही अंदर मेल होगी, तो आप उसी से ही यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। इसी के साथ में किसी भी चीज़ का यहाँ पर डर भी नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का हैक वगैरह या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है, अपनी मेल से यहाँ पर साइनअप हो जाएंगे। मैंने पहले ही अपनी मेल से यहाँ पर साइनअप हो रखा है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं, तो फटाफट आपको साइनअप हो जाना है। साइनअप हो जाने के बाद चूंकि इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थ्री लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे, तो इससे यह है जो भी रिसेंटली में हिस्ट्री होगी वो यहाँ पर हट जाएगी और इसी के साथ में न्यू चैट टैब, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स आ जाते हैं या फिर आपने बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं तो आप नए सिरे से यहाँ से चैट भी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कुछ जो भी लेटेस्ट में जो भी यहाँ पर टाइटल दिए गए हैं इनसे रिलेटेड है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं उन पर सिंपली क्लिक करके, ठीक है। इसी के साथ में क्रिएटर्स, जो कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप वीडियो बनाते हैं या फिर एक राइटर हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं जैसे कि लिखने का या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या फिर स्टूडेंट है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं चलिए आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्लोरर, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इमेज का ऑप्शन, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर कुछ सारी फोटो ऐसी होती हैं, या एग्जाम्पल तौर पर हम रेसिपी मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रेसिपी की फोटो यानी कि अपलोड कर देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं कि ये चीज़ है सिर्फ, ठीक है, इसी के साथ में हालांकि ये फ़ोटो के जरिए भी बता देगा कि आखिर ये चीज़ है और इसे बनाने के लिए आपको ये सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी सामग्री डालेंगे तब ये इतनी चीज़ें फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा यहाँ पर लिख के दे देगा और इसी के साथ में यहाँ पर आपको कुछ वीडियो भी शायद प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है टॉक टू वर्ड इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। यहाँ पर दो लैंग्वेज दी गई हैं, इसी के साथ में इसकी जो लैंग्वेज हैं वो कम से कम 100 लैंग्वेज से ज़्यादा ये ट्रांसलेट कर सकता है। तो और आपको यहाँ पर एक वॉइस का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप यहाँ पर बोलकर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोल के भी लिख सकते हैं और इसी के साथ में आप यहाँ पर सेंड करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्रेश का ऑप्शन, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हर बार में, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं मैं फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पर ये चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर जो वार्ड एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आखिर आपने दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी की है, ठीक है। इससे ये भी फायदा है, अगर आप अपने बच्चे के लिए देते हैं, अपने घर में इसे यूज करते हैं और आपको बाद में देखना है कि आखिर इन लोगों ने क्या क्या सर्च किया है और इससे रिलेटेड क्या क्या देखा है, ठीक है,
तो वो भी इसकी जानकारी के लिए सही है, ठीक है। और आप इसे हटा भी सकते हैं, यानी कि बंद भी कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो मैं इसे अभी नहीं करना चाहूँगा, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और हम बैग आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग्स पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल का अधिक यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल गया है यूज डार्क थीम्स, ठीक है। तो आप इसे डार्क मोड में भी इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इससे यह है कि जो आपकी लाइट है आंखों पर कम लगेगी और आपकी जो लैपटॉप है फिर मोबाइल जो भी डिवाइस है उसकी बैटरी भी यहाँ पर कम डाउन होगी, यानी कि जल्दी कम खर्च होगी, ठीक है। तो इससे यह है कि आपका लैपटॉप सही चाहे मोबाइल सही चाहे जो भी डिवाइस सही वो आपकी लंबे समय तक बैटरी के रूप में चलेगी, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सी जानकारी मिल जाती है, इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मेल के फीचर्स हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर डार्क मोड को हटा देता हूँ, अभी लाइट मोड में ही कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो गूगल वार्ड है वो क्या क्या कर सकता है और अपने इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस तो चलिए सबसे पहले हम इसी से ही इस बात के लिए पूछ लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है गूगल वार्ड क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। अब सर्च करने के बाद में ये हमारे सामने सारी की सारी जानकारी धर देगा कि आखिर गूगल वार्ड ये कर सकता है और ये इस चीज को लेकर बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल वार्ड एक अद्भुत AI भाषा मॉडल है जो कि हर भाषा में यानी कि 100 से ज़्यादा भाषा है जो कि उनमें ये आपको ट्रांसलेट करके और आप इससे काम करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप सवाल जवाब भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप इससे कहानियाँ लिखवा सकते हैं, कविता लिखवा सकते हैं, गाने लिखवा सकते हैं और आपकी जो भी सामग्री है जैसे कि पत्र या पत्रिकाएं वो भी आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं। इसी के साथ में निर्देशक, ठीक है, निर्देशों का पालन करना यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि चुनौती भरे, ठीक है, इनको कहने का मतलब है चुनौती भरे या फिर अजीब हो, ठीक है, यानी कि कुछ सवाल हमसे कोई ऐसे पूछ लेता है या फिर हमारे दिमाग में कुछ सवाल ऐसे गूंजते हैं जिनके हमें जल्दी जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी उत्तर, यानी कि जो इसके जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ का अनुवाद करना, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का आप यहाँ पर अनुवाद कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर जैसे कि रचना, और आपको मैंने बताया था कि ये 100 भाषा से ज़्यादा भी में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, यानी कि आप उन यानी कि 100 भाषाओं में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाता है रिफ्रेश का ऑप्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनमें से भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाता है यानी कि किस किस तरीके से आखिर ये गूगल वर्ड है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो AI है ChatGPT, ठीक है, तो उससे ज़्यादा कहीं बुरा ये फास्ट है, ठीक है। इसी के साथ में आपको कोई भी यहाँ पर पैसा भी देना नहीं है, ना तो कोई आपको ऐड वगैरह की दिक्कत है, तो आप यहाँ पर अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं या फिर आपको नए नए कोई आइडिया चाहिए तब भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर खुद भी पढ़वा सकते हैं इससे, ठीक है। गूगल बार्ड गूगल AI द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा मॉडल LLM है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं जो गूगल बार्ड कर सकता है। एक, रचनात्मकता, विभिन्न प्रकार की रचनात्मक सामग्री लिखें, बार्ड कहानियाँ कविताएं, तो आप यहाँ से पढ़वा सकते हैं और इसी के साथ में आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं और इस चीज के बारे में हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आप उस काम को भी कर सकते हैं और इस पर भी थोड़ा ध्यान देकर और उस स्क्रिप्ट के लिए सुन सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसी के साथ में चलिए हम कुछ और भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिख कर रख लिए हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों के मन में ये होते हैं कि आखिर हम मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। इसी के साथ में 1000 से हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, इसी के साथ में इंटरव्यू देते समय हम किसी के सामने किस तरीके से अपने आप को रखें, ठीक है, या फिर हम किसी से बात करते समय कौन कौन सी बातों को हम ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ हमारी पर्सनल जानकारी की वजह से तो ये कुछ जानकारियां मैं इससे पूछूंगा और इसके हम देखते हैं कि आखिर इसके क्या क्या जवाब ये देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली
टाइप कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आखिर मोबाइल से जो पैसे कैसे कमाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद में कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख के दे देगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मोबाइल से आखिर पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, जैसे कि एफिलिएटिंग मार्केटिंग करके, ठीक है। इसी के साथ में एफिलिएटिंग मार्केटिंग वो होती है जैसे कि कई सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने एप्लीकेशन का सही या फिर अपनी वेबसाइट का सही, तो वहाँ पर वो प्रमोट करवाती हैं। प्रमोट कैसे, जैसे कि अगर आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वहाँ पर आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो इससे यह है कि वहाँ पर आप उन कंपनियों की लिंक के द्वारा आप उनकी वेबसाइट पर पहुँचवा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो इससे यह है कि वहाँ पर आपको कुछ कमीशन मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में 10% 20% आप कंपनी वालों से बात करके रख सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और आपको यहाँ पर ये बताया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करके और भी कुछ नई जानकारियाँ पा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि मोबाइल से पैसे कमाने के तरीके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे और आप अपने जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों के आप यहाँ पर जवाब पा सकते हैं। इसी के साथ में अब चलिए हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज करके अपने सवाल पूछते हैं, जैसे कि 1000 से हम बिजनेस शुरू कैसे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि हम न्यू चैट पर सिंपली क्लिक करेंगे, हमारे सामने उसी तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा एक्सपोर्ट, उसके बाद में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है या फिर हमारे पास पैसे हैं वो कम है, ठीक है। तो उन पैसों से आखिर हम अपना बिजनेस शुरू किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि आखिर यानी कि जो 1000 रुपये है वो बहुत ही कम राशि है, इसी के साथ में उससे बिजनेस शुरू करने में दिक्कत शुरू हो सकती है, पर आपको नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आप किस किस चीज़ के जरिए आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये लिखकर ये दे देता है, ठीक है। तो आखिर आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको बहुत सारी जो कि वेबसाइटें मिल जाती हैं, या फिर आप एक यहाँ से आइडिया ले सकते हैं काम करते समय कि आखिर हमें काम किस तरीके से करना चाहिए, किस चीज़ पर, ठीक है। तो आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटरव्यू देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर जाते हैं और या जॉब करने या फिर किसी के सामने हम बात करते हैं और एक इंटरव्यू की तरह हम पे सवाल जवाब होने लगते हैं, ठीक है। तो उसका जो सवाल जवाबों का जो उत्तर देते समय आखिर हमें अपने आप को किस तरीके से रखना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी आप यहाँ पर जो कि उत्तर ले सकते हैं, ठीक है। तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, और तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे यह है कि आपको अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है किसी से बात करते समय अपने आप को किस तरीके से रखना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सवाल रखे थे और मैं देखना भी चाह रहा था। इसी के साथ में क्योंकि यहाँ पर मैं अभी टाइप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड है वो यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब था इस वजह से, ठीक है। हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ब्लॉगर हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जो भी टाइप करके या फिर बोलकर आप यहाँ पर उस सवाल का जवाब पा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।